हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। हाय दोस्तों, नमस्कार। भूपेंद्र फिर से आ गए एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों, आज चोर लोगों की बात करेंगे हम। कौन चोर, कैसा चोर? आज एक चोर है, अपने आप को हरिश्चंद्र बताता है। मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट करके देता हूँ, मैं किसी से कुछ पैसे नहीं लेता, मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ एकदम सही करता हूँ, और मैं जिसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ वो भी सब सही है। मतलब अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इतनी सारी बातें करता है। आज उसकी बात करेंगे। वो चोर कौन है वो मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो पूरा देखते रहिए, पूरा देखिएगा, पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। दोस्तों, आज इस चोर की बात हो रही है ना, पहले आप फोटो देख लीजिए, ये फोटो देख लीजिए और ये भी फोटो देख लीजिए, क्या है, कैसा है। आज इस चोर की बात हो रही है ना दोस्तों, मात्र 10 रुपये पर ग्राफ में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करके देते हैं, ऐसा उसका कहना है, उसका वादा है। साले चोर हो तुम लोग, 10 रुपये में, 10 रुपये पर ग्राफ लेते हो, उससे ज़्यादा तुम नुकसान कर देते हो लोगों का। मेडिसिन लो, ढमका लो, ये लो, वो लो, परमानेंट है सब चीज़, अपने क्लिनिक से ही करवाओगे सब चीज़। नहीं लेगा तो पेशेंट को बोलोगे ज़बरदस्ती लो, है ना, नहीं आएगा तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, हमारी कोई मतलब, हम लोग नहीं जानेंगे कि अगर आपका रिजल्ट कैसा भी आए, मतलब ज़बरदस्ती का दिलवाना। चलो ठीक है, तुम जो बोले वो भी कर दिया पेशेंट, मैंने ऑक्सीडिल भी ले लिया, मेडिसिन भी ले लिया, PRP सब चीज़ ले रहा है, ठीक है। 10 रुपये पर ग्राफ, इतना कुछ लेने के बाद ही ऐसे रिजल्ट क्यों आते हैं, ऐसे 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 रिजल्ट क्यों आते हैं? साले 10 रुपये के नाम से लूट रहे हो दोस्त पूरे पब्लिक को। 10 रुपये 10 रुपये, क्या 10 रुपये 10 रुपये कर रहे? तुम अपने आप को बहुत बड़े हरिश्चंद्र करते हो, चोर हो साले। तुम लोग की बोल क्या बोलते हो तुम लोग, कि मैं पैसे नहीं लेता, मैं फ्री में करता हूँ, तो एक क्लिनिक का प्रमोट क्यों करता है रे? हाँ, एक क्लिनिक का प्रमोट क्यों करता है? तो पूरे 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 सब जगह, पूरे भारत में इतने सारे क्लिनिक है, बहुत लोग तो कम में करते हैं ना, उनके प्रमोट क्यों नहीं करता? अच्छा, तेरे कहने का मतलब ये भी है ना कि मैं कम में करवा के देता हूँ, बेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर, बेस्ट हेयर क्लिनिक और बेस्ट सर्जरी, बेस्ट रिजल्ट देता हूँ मैं, ऐसे होते तेरे रिजल्ट घटिया? जो एकाक जो जो बेस्ट होते हैं, कहाँ कहाँ से पकड़ के लाता, वो उनको दिखाता है तू कि मेरे क्लिनिक से हुआ है, मैं ऐसा करके देता हूँ, वैसा करके देता हूँ, और मैं पैसे नहीं लेता क्लिनिक से। शरीफ है तू? एक पैसे का शरीफ नहीं है। गरीबों के हाय लगेगी तुझे? चोर है साले, चोर चोर, ग्राफ की चोरी करता है, हाँ, पेशेंट से ज़्यादा पैसे मांगता है। 4000 ग्राफ लगेंगे, 4000 ग्राफ का आपको 75,000 रुपये देने पड़ेंगे। अरे 10 रुपये पर ग्राफ की वजह से तू लेता है, तो 10 रुपये पर ग्राफ का कितना होता है? 40,000 ना, चलो GST भी जोड़ लेते हैं अपन, तो 7,200 GST होता है 4000 ग्राफ के हिसाब से, चलो 48,000 जोड़ लेते हैं रे, 48,000 रुपये। तो 75,000 कहाँ से मांग रहा था तू पेशेंट से, कि 75,000 लगेगा 4000 ग्राफ का? पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट ख़राब तू करे, पैसे ज़्यादा तू ले, फालतू की बातें तू करे, जो यूट्यूब में गंदगी मचा के रखे वो तू करे, है ना, तेरे से क्या उम्मीद है रे? जो बोलता है ना, मैं धीरे धीरे करके ऐसे करके आगे बढ़ूँ, कंट्रोवर्सी करता है सिर्फ, तू सिर्फ कंट्रोवर्सी करता है, कभी किसी का नाम फंसाता है, कभी किसी का नाम फंसाता है, सिर्फ लड़ाई करते कर करके तू सब्सक्राइबर बढ़ा। अरे एंटरटेन करने के लिए तेरे सब्सक्राइब कर लेते बंदे, तेरे को नॉलेज तो बिल्कुल नहीं है। ये होता है, वो होता है, 150 वीडियो बना लिए मैंने। आप लोग जानना चाहोगे ना दोस्तों, वह कौन सा क्लिनिक, आप लोग बहुत पूछते हैं ना कौन सा क्लिनिक है, कौन सा क्लिनिक, आप मेरे को नाम बताइए, पेशेंट बचे। अरे बॉम्बे में कोई 10 रुपये में करके देता है, आप लोग समझ गए होंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 रुपये में करके देते हैं पर ग्राफ। है तो 25 का, लेकिन हम 10 में करके देते हैं। अरे 25 है तो 25 लो ना, 10 क्यों लेते हो? मतलब एहसान जताने के लिए और बताने के लिए, कस्टमर और पेशेंट फंसाने के लिए, कि नहीं हम तो 25 लेते आपके लिए, सिर्फ मात्र आपके लिए 10 रुपये में करके देंगे, है ना? अरे बेवकूफ़ मत बना, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? पब्लिक को, वही पब्लिक आके तेरे को जूते मारेगी, समझे?
अरे खुद का रिजल्ट ढंग से नहीं आया, दूसरे का तू रिजल्ट क्या लाएगा? पैसे लेता तो प्रॉपर बोलना, पैसे लेता हूँ भाई। तेरे को कौन सा पेशेंट बोल रहा है कि तू अपना जो पैसे लेता वो मेरे को पैसे वापस कर? कौन सा पेशेंट तुमको बोलता है कि आप पैसे मत लो? भाई पेशेंट पूरा पैसा देता है, आप जितने ग्राफ बोल रहे हो उतने ग्राफ का पेशेंट पैसा देता है। आप जो मेडिसिन बोलते हो वो मेडिसिन लेता है, आप जो बोलते हो वो करता है। उसके बाद तुम ये चोरगिरी क्यों ऐसा? पेशेंट से पैसे भी पूरा लो, ग्राफ भी उसी के ग्राफ, उसके बैक साइड डोनर एरिया के उसी के ग्राफ, उसी के पैसे, उसका दर्द वो भी आया, वो सारे चीज़ें करा, उसके बाद भी तुम चोरी करते हो। और रिजल्ट तेरे ऐसे आते हैं, रिजल्ट दिखाया हूँ, देख लो भाई लोग, रिजल्ट ऐसे आते हैं इसके, अच्छे रिजल्ट है। कहाँ कहाँ गए तो हमारे यहाँ से हुआ है, देखिए ऐसा रिजल्ट है वैसा रिजल्ट है, क्या खाक रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद तुम हर एक बंदे को पकड़ के वीडियो बनाओ ना, अगर तुम इतने शरीफ और इतने सही हो तो। जिसका रिजल्ट बेस्ट था तो उसका तो तुम बना देते हो, और जिसका बिगड़ता है वो बेचारे कहाँ जाए? फिर से तुमसे तो वो नहीं करवा पाएगा क्योंकि तुम तो वैसा बिगाड़ दिए उसका, दूसरे के यहाँ जाए? और दूसरे के यहाँ जा रहे हो तो तुम बोलते हो चोर है वो, तुम ही बस एक शरीफ हो, हरिश्चंद्र, महाराज हरिश्चंद्र। ऐसा ना करो, और चोरपंथी करोगे साले मारेंगे जूते जूते तुमको पब्लिक। अगर कोई पब्लिक भड़क गई ना तो तेरी जितनी होशियारी है सब निकल जाएगी, जहाँ है वहाँ के मारेंगे। भाई लोग आप लोग भी सतर्क रहिए ऐसे चोर लोगों से, हजार बार बोलो जितने पैसे लेते हैं उससे ज़्यादा कम, उतने उससे कम ग्राफ लगाते हैं, पूरा पैसा लेंगे उससे कम ग्राफ लगाएंगे, और इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी करेंगे अपने चैनल हाईलाइट करने के लिए। बॉम्बे में है कोई क्लिनिक, आप लोग पूछते रहते हो ना, और वो पूछने के लिए क्या क्या गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करते हो आप लोग, ये है वो है फालतू है। जब फंसते हो ना तब लगता है कि हाँ भाई वो बंदा सही बताया था, जाते हो उसके पास करवा लेते हो, पता चलता है कुछ हुआ ही नहीं हासिल, हो गया भाई लोग हो गया, फिर उसके बाद तब लगता है कि वो जेन्युइन बता रहा था। और इस चोर की बातें सुनना आप लोग, इसके वीडियो उठा उठा के देखना। पहले तो एक क्लिनिक को भरपूर प्रमोट किया है, अरे मेरे कारण क्लिनिक चल रहा है भाई, मैं करवा के देता हूँ, बेस्ट रिजल्ट देता हूँ, बेस्ट। क्या हुआ? डॉक्टर मना कर दिए? अरे डॉक्टर मना नहीं किया, कुछ तेरा झोल जब आटा रहा होगा, इसीलिए बोले कि प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं। तो दो तीन तीन लोग मिलके चलाते हो, बोलते हो हम बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं, बेस्ट हेयर क्लिनिक है, हम लोग इतने पांच क्लिनिक का नाम बताते हो, बेस्ट पांच क्लिनिक है हमारे इंडिया में, आप यहाँ करवा सकते हो। उसके बाद क्या बोलते हो? हमारी कोई जिम्मेदारी, मैं वहाँ गया नहीं हूँ, अब मेरे को पता नहीं। उसके बाद कोई जिम्मेदारी तेरा बेस्ट नहीं है क्या? तू अपना तो नाम नहीं लेता, प्रमोशन कर रहा है इसलिए। अरे तेरे क्या, चल बताऊंगा मैं तेरे क्या है कैसा है। दोस्तों ध्यान रखना, 10 रुपए के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। कम में कर रहा है इसका मतलब बेस्ट कर रहा है और अच्छा कर रहा है, उसकी भोली भाली सूरत पे मत जाना। चलो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, जैसा भी इसका तो आएगा रिप्लाई, देखते हैं क्या बोलता है ये। बहुत बड़ा शरीफ है राजा हरिश्चंद्र, क्या बोलता है कैसा बोलता है देखते हैं, चेक करते हैं। चलिए जो भी होगा अब नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिएगा आप, ये क्या बोलता है कैसा बोलता है देखना। अब मैं कुछ बोला हूँ ये तुरंत रिप्लाई करेगा। चलो दोस्तों बाय, नमस्कार।